दोस्तों ये एक पानी की टैप है, इसमें देखिए जैसे कि हम इसको इसको बंद कर देते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी ये टपकता रहता है। और आज हम इस टैप को ठीक करके बताएंगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर एक फेस होता है, जो फेस ख़राब हो जाता है दोस्तों, इस तरह का ये फेस होता है, ये इसके अंदर एक फेस लगता है दोस्तों, ये वाला फेस, तो ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी है ना आप चलाएंगे और फिर एकदम से ये पानी टपकता ही रहेगा सारे दिन। अगर आप थोड़ा पीट पाट के बंद भी कर देंगे तो थोड़ा 15-20 मिनट बाद फिर वो टपकने चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम फेस चेंज करके बाज़ार में मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, किसी दुकान पे 30 रुपये का होता है, 35, 40, 50 इसी तरह का, सबका अलग अलग रेट है हर दुकान पर। तो चलो दोस्तों आज इसको हम खोलते हैं, टैप को खोल के और इसको बदलना सिखाते हैं। अगर आपके घर में कभी कोई भी टैप कोई भी ख़राब हो जाए, कोई भी टंकी, तो ये दो तरह के टैप आते हैं, एक तो ये आता है हाफ़ टन का, जो हाफ़ टन की एक आता है, इससे दूसरा होता है जिसमें आप घुमाते रहते हैं, वो फुल टन का आता है, इसको कहते हैं फेस, हाफ टन का फेस। तो दोस्तों ये टंकी इतनी होती है, जब ये खुली और ये बंद होगी तो ये थोड़ी सी खुलने के बाद बंद हो जाती है, इसको हाफ़ टन कहते हैं, और जिसमें आप जाते करते हैं तो उसे फुल टन कहते हैं। तो चलो दोस्तों इसका जो हाफ टन का जो फेस है इसको बदलेंगे और बदल के आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप घर पे बदल सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिस मिलता है। चलो दोस्तों खोलते हैं, खोल के आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस टंकी का ये ऊपर का कैप हटाना, इसको आप एक ऐसा पेचकस लेके यहाँ किनारे पे आपको मारना पड़ेगा इस तरह से, ये ढक्कन हटेगा दोस्तों, इसका ये ढक्कन हट चुका है, इसको एक कर देंगे। फिर आपको ये जो पेच है ये पेच खोलना पड़ेगा, ये पेच पहले तो आप पेच कर से ट्राई कर लें, क्योंकि काफ़ी दिन पुराना हो जाता है तो इस पर जंग वगैरह लग जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इसका जो नक्का है इसके सारे जंग लग चुका है आप देख, तो इसको आप थोड़ा सा पहले से इसमें ये जंग छुड़ा लें, ये नहीं खुलना तो आपको किनारे किनारे से इसका पेज का थोड़ा जंग छुटाना पड़ेगा इस तरह करके चार तरफ से हल्का हल्का सा मार के दोस्तों, चारों तरफ से पेज के साइड से ये किनारे किनारे पे आपको पेज का सामान मारना होगा, इससे क्या होगा इसका जंग पेज का जंग छूट जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हो सकता है कभी साल साल दो दो साल तक चेंज नहीं होता तो जिसकी वजह से टंकी में इसमें जंग लग जाता है। तो ये देखो दोस्तों ये जंग हो गया, और इसमें जो पेचकस का किनारा है उसमें भी आप जंग छुटा लें से, अब देखते हैं कि इससे खुलता नहीं खुलता। तो दोस्तों ये बुरी तरह जंग लग चुका है ये पेच में, पेचकस से तो नहीं खुल रहा, एक बार हम ग्लास से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इसमें जोरिक हो तो आप जोरिक भी मार सकते हैं, इस समय हमारे पास जोरिक नहीं है तो जोरिक भी मार सकते हैं इसके लिए। आप थोड़ा थोड़ा करके फ्लास्क से खोलते चले जाए, पेज खुल गया, लेकिन खुला थोड़ा सा मेहनत की वजह से, पहले इसके किनारे पे हमने पेचकस से थोड़ा सा सारा जंग उठाया और ये पेज थोड़ा सा गल चुका था। तो दोस्तों ये पेज पूरी तरह गल चुका है, तो इस पेज को आप ना लगाएं, इसके बाद आप नया पेज लगाएं। तो ये पेज तो हमने खोल लिया, पूरा जंग लग चुका था, अब दोस्तों आपको ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। इस पार्ट को हटाने के लिए आप नीचे से थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर की साइड को वो करें इस तरह चारों तरफ से, क्योंकि
दोस्तों यहाँ पे देखो जंग लग चुका है, आपको दिखाएं, ये देखिए आपको थोड़ा सा रोशनी दिखा देते हैं, ये यहाँ पे सारे में जंग लग चुका है। तो ये थोड़ा सा ऊपर करने में थोड़ा सा वो लगेगा, क्योंकि इसका जो पेज था, ये पेज भी देखिए पूरा झड़ हो चुका था, पूरा इसको खुला नहीं, प्लास से किनारे मार के तब खुला है, तो ये जंग लग जाता, काफ़ी पुराना हो जाता है। तो अब इसको निकालने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके हाथ कर, अब इसको निकालने के बाद ये हमने निकाल दिया, अब आपको ये खोलना पड़ेगा, ये आपके पास चाबी वगैरह हो उससे खोलना। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए या तो प्लास से खोलेंगे तो थोड़ा वो लग जाएगा, तो आपके पास एक 14-15 की चाबी होनी चाहिए, तो 14-15 की चाबी ले, उससे इसको फेस को खोलें, ये फिर ये हो रही है थोड़ी सी दोस्तों, क्योंकि जाम हो चुकी है, दूसरी से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये 14-15 की चाबी लगती है बस इसमें, लेकिन ये फ्री हो रहे, थोड़ा सा फ्री हो रहा, फिर भी हम एक बार हम फिर प्लास से ट्राई करके देखते हैं इसको। वैसे तो एक पाइप रिंच होता है तो उससे आराम से होता है, ये चाबी से भी आराम से खुल जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना हो चुका, थोड़ा घिस चुका है, तो इसमें चाबी ना थोड़ी फ्री हो रही है, तो हम इसे प्लास से खोलते हैं। दोस्तों ये खुलने में क्या, देखिए जब ये एकदम से खुलेगा दोस्तों, तो पानी है ना ऊपर की साइड होगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे बर्तन वगैरह कुछ रख दे। दोस्तों खोलें, और खोलने के बाद एकदम से पानी का प्रेशर आएगा काफ़ी तेज, और हाथ में ये दूसरे वाला रखें, तो देखो पानी का प्रेशर आएगा एकदम से, आप उसको दबा लें, और फिर दबाने के बाद इसको लगा दें, और फिर इसके बाद ये टाइट करें, ये पुराने वाला फेस है, और उसके बाद ये चाबी से इसको टाइट करें, तो टाइट कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें वैसे 14-15 की चाबी लगती है, इसमें थोड़ा फ्री हो रहा था, ये थोड़ा सा घिस गया, पुराना हो चुका, तो ये देखिए ये हो चुका दोस्तों। इसमें पेच लगाता है, पेच भी इसमें लगाता है, अब ये पेच हम खोल लेंगे, पेज खोल लिया दोस्तों, पेज खोलने के बाद ये जो है इसका, इसको आप इस तरह लगा लें, ये आराम से लगाएगा, थोड़ा हाथ से कर लें, और इसके बाद ये पेज लगा के इसको टाइट कर लें, अगर यहाँ पे वार्सल हो तो वार्सल भी लगा सकते हैं, उसके बाद ये पेज कस से टाइट कर लें। तो दोस्तों ये टाइट कर दिया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, इसमें कोई पानी नहीं आ रहा। और दोस्तों इसके बाद ये वाला जो इसका कैप है, ये आप इसका कैप लगा दें टंकी का, तो ये देखिए ये टंकी का पूरा हो चुका, टंकी हमारी ऑन भी हो रही है, ऑफ भी हो गई, अब इसमें एक बूंद भी पानी लगेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें ये जो इसका फेस होता है, फेस ख़राब हो जाता है, और फेस आप आराम से चेंज कर सकते हैं टंकी का, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ से एक पेज खोलें, पहले इसको हटाएं क्या, फिर पेज खोलें, फिर ये हटाने के बाद ये आप चाबी से खोल लें, आराम से खोल के इसको हाथ से टाइट कर दें, और टाइट करने के बाद फिर चाबी से हल्का सा टाइट कर दें, फिर उसके बाद कैप लगा दें, कैप के बाद पेज लगा दें, तो आराम से हो जाता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट का समय लगेगा। हाँ कभी कभी ये पेज खोलने में समय लग सकता है, लेकिन उसको प्लास से आप खोल सकते हैं या जोरिंग मार सकते हैं उसके अंदर, कभी जंगली जोर लग जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप इसको जो टंकी है, पानी की टंकी, उसको रिपेयर कर सकते हैं टैप को। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।